भारत सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। वह मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 जून को पूरा होगा। परमेश्वरन संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ ग्रामीण जल स्वच्छता विशेषज्ञ के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये परमेश्वरन ही थे जिनकी देखरेख में स्वच्छ भारत अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। नीति आयोग के बारे में आपको बताएं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को स्थान दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। देखते रहें धे टीवी।